नमस्कार दोस्तों, आज शाम को फिर से अपडेट लेके आया हूँ भागलपुर से जमालपुर के बीच में। जो फ्लड के कारण जो ट्रैक पे आगे ट्रेन नहीं चलाई जा रही है, उसके कारण कौन कौन सी ट्रेन डिस्टर्ब है, उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूँ। काफ़ी आप लोग ये जानकारी पूछ रहे थे। जो गरीब रथ है 04411 जो आनंद विहार से भागलपुर की तरफ आती है और भागलपुर से आनंद विहार की तरफ जाती है 04412, ये दोनों ट्रेन फ़िलहाल जमालपुर तक ही आएगी आनंद विहार से और फिर वापस जमालपुर से ही दिल्ली जाएगी। ये क्लैरिटी आपको मिल गई। साथ में कामाख्या गया के बारे में कई लोग पूछ रहे थे, इसकी क्लैरिटी आज रात तक आ जाएगी, अभी तक रेलवे ने अपडेट नहीं किया है। बांका इंटरसिटी भी मोस्ट प्रोबेबली ये जमालपुर नहीं आएगी, भागलपुर नहीं आएगी, ये डायरेक्टली क्यूल से जसीडीह के रास्ते बांका की ओर चली जाएगी। इस प्रकार अगरतला देवघर एक्सप्रेस भी आज इसी प्रकार गई है, वो भी आज बरौनी के रास्ते डायरेक्ट क्यूल होते हुए ये ट्रेन सीधा देवघर चली गई थी, तो वो भी ट्रेन वैसे ही बांका चली जाएगी। दोस्तों, जब तक फ्लड सिचुएशन रहेगा, दो इंटरसिटी को पूर्ण रूप से कैंसिल कर दिया गया है। साहिबगंज दानापुर इंटरसिटी जो है और दानापुर साहिबगंज इंटरसिटी, ये कैंसिल रहेगी, और क्यूल मालदा इंटरसिटी और मालदा क्यूल इंटरसिटी, ये दोनों कैंसिल रहेगी, क्योंकि दोनों का रैक फंस गया है। जो साहिबगंज इंटरसिटी का रैक भागलपुर में फंस गया है और जो दूसरी ट्रेन है क्यूल मालदा इंटरसिटी, उसका रैक जमालपुर में फंस गया है। आपको बताना चाहूँगा, मालदा से लेकर पटना जाने वाली इंटरसिटी कल कैंसिल थी, क्योंकि उसका रैक भी पटना में फंस गया था, और पटना से मालदा आने वाली जो इंटरसिटी एक्सप्रेस है उसको वाया मोकामा खगड़िया कटिहार होते हुए मालदा की ओर ले जाया जाएगा। वैसे भी उस रूट से 04004 आज जा रही है, जो बाई वीकली एक्सप्रेस है नई दिल्ली से लेकर मालदा टाउन के बीच में, और जो वीकली एक्सप्रेस थी 00030 जो दिल्ली से आ रही थी, वो भी वाया कल मोकामा होके कटिहार होके गई है। और आज भी जो मालदा से आनंद विहार के बीच में जो स्पेशल थी, उसको भी उसी रूट से निकाला जा रहा है। गुवाहाटी लोकमान तिलक भी उसी रूट से जा रही है। तो इसी तरीके से सारी ट्रेन सभी फ़िलहाल जो मालदा से आती थी भागलपुर जमालपुर होके क्यूल जाती थी, वो सभी को डायरेक्टली कटिहार के रास्ते डाइवर्ट कर दिया गया है। दोस्तों, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को ये जानकारी मिल सके, और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं ये जानकारी आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद।